इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला है हमला। कल 5 मिनट में बीजेपी बेनकाब हुई। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पोल खुली है। मानो सीजीआई के अंदर भगवान बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने यह निशाना साधा है। देश में बीजेपी चुनाव चोरी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पोल खुली। अरविंद केजरीवाल ने कल सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद यह निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जो पूरे दुनिया के अंदर हम तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को 5 मिनट के अंदर भगवान ने पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया। जो लोग द्रौपदी का चीर हरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीर हरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीर हरण करके छोड़ा। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा है। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।